अस्सलामुअलैकुम, आज हम आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन फ्राई की रेसिपी। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है हमारी चिकन फ्राई। तो ये हम बहुत आसान है इसे बनाना। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इसे बनाने के लिए किस किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने चिकन फ्राई के लिए हमने चिकन लिए हैं आधा केजी, और जो लेग पीस हैं आप अगर खाली लेग पीस यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, सिर्फ लेग पीस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चिकन के सारे चीज पार्ट्स यूज़ किए हैं। तो ये मैंने चिकन के लेग पीस में कट के निशान लगा दिए थे और इस तरीके से, ताकि ये अंदर तक बहुत मुलायम और जूसी बने। तो आइए इसमें किन किन चीज़ों को हमें डालना है। सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे 1 चम्मच, और अदरक, अदरक और लहसुन का पेस्ट एक बराबर डालेंगे 1-1 चम्मच। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। दही बिल्कुल ध्यान रखें आप पानी वाला ना लें, बिल्कुल थिक दही लें। और इसमें हम डाल देंगे अंडा 1, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर अरारोट, और फिर हम 1.5 चम्मच डालेंगे मैदा, मतलब कॉर्नफ्लोर ज़्यादा होना चाहिए और मैदा कम होना चाहिए। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। फिर इसी में हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप तीखा लाल मिर्चा खाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और गरम मसाला 1/2 चम्मच, और मैंने थोड़ा सा तीखा लाल मिर्चा डाला है। और ये फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसे फिर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमने जो चिकन है वो अच्छे से अंदर तक जूसी हो जाए। और इसे कवर करके हम तकरीबन 3 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो जो मैंने ये कट के निशान लगाए हैं उसमें पूरे मसालों को हम अच्छे से भर देंगे, सभी को अच्छी तरीके से पूरे अंदर तक मसाले को हम डाल देंगे, ताकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगे। इस तरीके से हम इसमें सभी को मिक्स कर देते हैं। और ये देखिए मैंने तैयार इसे मिक्स करके इस तरीके से रख दिया। इसे हम कवर करके तकरीबन 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और 3 घंटे के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं एक प्लेट से ढककर। आइए देख लेते हैं 3 घंटे के बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके प्लेट को हम हटा देते हैं। ये देखिए ऊपर से हल्का सा पानी सा आ गया, तो इसे आप चम्मच से मिक्स कर लें, मिला लें। और फिर हम इसे एक गरम तेल को बिल्कुल भी आपको गरम करना है, उसके बाद कम आंच करके इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर देना है, और बिल्कुल कम ही आंच में आप इसे फ्राई करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गैपिंग करके हम इसमें डालेंगे, एक बराबर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और मसाले सारे हट जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ही डालेंगे, और इसे कम ही आंच करके हम इसे फ्राई करेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे इस तरीके से पलट देंगे कम आंच पे ही एक फॉक के हेल्प से। ये देखिए मसाले बिल्कुल भी मेरे हटे नहीं है, परफेक्ट हैं। और नीचे के भी हिस्से को भी हम 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट पे हम इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद सेकंड लेयर जो बची है हमारी चिकन की, उसे भी हम इसी में डाल देंगे, सेकंड टिप में को भी इसी में डाल देते हैं, और उसे भी सेम प्रोसेस करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। 15 मिनट या 10 मिनट कम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा पीसेस तो नहीं बचे थे, लेकिन जो भी है मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद जब हम इसे निकाल लेंगे तो हम तेल को एकदम हाई हीट पे रखेंगे, एकदम तेज आंच पे, और इसे तकरीबन गरम कर लेंगे एकदम 10 मिनट के लिए। और जब 10 मिनट के बाद ये अच्छे से गरम हो जाएगा, काफ़ी गरम हमें ऑयल चाहिए, उसके बाद हम सभी चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे। और इसे करना बहुत ज़रूरी, तभी आपके चिकन एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो इसे हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक तेज आंच पे इसे हम फ्राई करेंगे, और 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हम इसे निकालिए, बहुत ही ये क्रिस्पी बना है। ये देखिए
आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआओं में याद रखें, हमसे जुड़ें, हमारा हौसला अफजाई करें। और ये देखिए बहुत ही मज़े का ये चिकन बना है, चिकन फ्राई, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से इसकी क्रिस्पी सुना देती हूँ, किस तरीके से एकदम इसकी आवाज़ है। तो ये देखिए, और आप इससे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, धनिया पत्ती की चटनी, पुदीने की चटनी। आप सभी को ईद मुबारक हो। और ईद की रेसिपी, अगर सेवई की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।